नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। वल्लभगढ़ में तिंगाव पुल से एक ऑटो चालक ने परिवार कलह के चलते नहर में छलांग लगा दी। ऑटो चालक का नहर में कहीं पता नहीं चला, जिससे खफा ग्रामीणों ने बाईपास रोड और तिंगाव रोड को जाम कर दिया। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस की लोगों से जाम खुलवाने को लेकर झड़प भी हुई। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा वल्लभगढ़ के बाईपास रोड का है, जहां तिंगाव नहर पुल से एक ऑटो चालक ने छलांग लगा दी। बताया जाता है कि ऑटो चालक ने नहर में छलांग लगाई थी, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला। लोगों का आरोप था कि पुलिस द्वारा 22 वर्षीय आकाश को ढूंढने का कोई भी प्रयास 6 घंटे तक नहीं किया गया। इस दौरान नहर में तलाश करने पर एक अन्य अज्ञात युवक की लाश नहर से मिली, जिसे परिजनों ने पहचानते हुए कहा कि यह लाश किसी और की है। वहीं मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय का कहना है कि उन्होंने जाम खुलवाया है और कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल इस घटना के बाद मृतक ऑटो चालक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रतन जी क्या हुआ है यहाँ पर? हमारा भाई था एक छोटा, उसका नाम था आकाश जी। वो टेम्पू लेकर आया था यहाँ से, उसने टेम्पू लेकर अपने भाई को दे दिया। उसने क्या बात ही पता नहीं होता हमें, वो उसने छलांग लगा दी। हमने कोई उसके साथ छलांग लगाने में अकेला था जी। हमने प्रशासन से गैल फोन करा, प्रशासन ने हमारी अभी तक कोई मदद नहीं करी, फोन भी कर लिया। कब की घटना है? क्या बात है, किसी को उस पर किस तरह प्रशासन है? ये लगभग 1 बजे की बात है। और आप अब इकट्ठे हुए हैं, जाम भी लगा हुआ है, तो अब तक प्रशासन से क्या उम्मीद मिली? प्रशासन कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद मिली नहीं अभी तक भी, ना कोई आश्वासन दे रहे हैं हम करेंगे नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कल मिल जाएगी लाश, मिल जाएगी, हम लाश के लिए कल तक यहाँ पड़े हैं, ये हमारा वो है। उनके कह रहे हैं प्रशासन क्यों कर रहे हो? मेरा भाई है छोटा, चाचा का लड़का है। कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र है 22 साल। क्या नाम है सर आपका? सब इंस्पेक्टर विजय कुमार जी। विजय जी, जाम लगा रखा है इस पे पुल पर, तिगाम पुल पर, क्या कारण है? ये बता रहे हैं कि नहर में कोई आदमी व्यक्ति कूदा है इसमें, तो यहाँ पे मौके पे पुलिस आई, जहाँ पुलिस ने देखा इस यहाँ पे तो एक और बॉडी मिली है। ये कह रहे हैं वो हमारी बॉडी नहीं है, तो और डेड बॉडी भी निकल गई इसमें से? हाँ, ये बता रहे हैं एक डेड बॉडी और निकली है, उस डेड बॉडी की कार्रवाई कर रहे हैं वो, और पुलिस उनको जो मैं कंट्रोल को बता दिया, उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन करी है, सारी कुछ है, पुलिस आई थी उस बॉडी को लेके गई है और हम यहाँ जाम खुलवाने में हैं। तो क्या मानते हैं, कहाँ चली गई होगी? कोई खोजने के लिए आए डेड बॉडी को भी, कोई बंदे पहुँचे? नहीं, अभी तो वो आए थे, अपनी लोकल पुलिस आई थी, उन्होंने यहाँ करा तो वो एक और डेड बॉडी मिली, तो उस डेड बॉडी को लेके गई, फिर इनको दिखाया, इन्होंने बताया जी ये डेड बॉडी नहीं है हमारी। तो अभी तक कुछ पता नहीं आई होगा? अभी कुछ नहीं पता। कितनी उम्र बता रहे हैं? ये तो यंग लड़का बता रहे हैं जी। हरियाणा की पीतल नगरी रेवाड़ी में बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात भी मामूली कहासुनी को लेकर हुए झगड़े में दो युवकों ने अपने ही साथी की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। बचरा कॉलोनी के दिनेश का उसी के साथ उठने बैठने वाले कुछ युवकों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बीती रात वो युवक दिनेश को मिले और फिर उसी रंजिश को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इनमें झगड़ा इतना बढ़ गया कि 4 युवकों में से 2 ने दिनेश पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दिनेश के पेट में 4 बार चाकुओं से वार किए गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दिनेश को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको यह भी बता दें कि सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, और अब पुलिस ने सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, जो रात झगड़ा वगड़ा हुआ वो क्या पूरा मामला था? बस हम बैठे थे, वो अचानक आके बैठ गए और एकदम से मार के भाग गया। 2 जने थे वो, एक खाटू था, एक वो था, क्या नाम, छोटू। अच्छा, दोनों ने ये बात दी कि चक्कू को मारे, चक्कू मार के फिर और भाग गया। फिर हम उसको पकड़ने के लिए भाग गए, उससे पहले वो निकल गया वहाँ से। अब दिनेश की मौके पर डेथ हो चुकी थी? नहीं, उसको हम ट्रामा लेके गए, ट्रामा वाले ने जवाब दे दिया, फिर पुष्पांजलि लेके गए। पुष्पांजलि वाले ने कही कि भाई रेफर कर दिया वहाँ पे गुड़गांव, फिर वहाँ ले गए, फिर वहाँ पर तक भी सब वहाँ जाते ही वहाँ तक पहुँच गई। पुलिस खबर कर दी? पुलिस आ गई, हाँ खबर कर दी थी, पुलिस आ गई थी। उन लोगों को पकड़ लिया गया? हाँ, उन लोगों को रात को बता रहे हैं, पर मैं तो पकड़ लिया रात को। ये कल दिनांक
23/2/2019 की बात है, समय 9 बजे ये मलैया ने के ये चार बंदे थे जो आपस में चारों दोस्त थे, दिनेश जो मृतक है दिनेश और जो माए दिनेश और बाबा नायक, ये इसकी उम्र 25 साल है, बतरा कॉलोनी रिवाड़ी का रहने वाला है, तथा इसके जो और साथी है, दो साथी हैं, बात उर्फ छोटू सन ऑफ दीपचंद और दूसरा है शिवराम सन ऑफ शिवराम उर्फ खाटू, ये नई आबादी रेवाड़ी के रहने वाले हैं, और एक संदीप सन ऑफ विजय कुमार, ये आपस में चारों दोस्त थे, जो इनका दोनों के आपस में 10-20 दिन पहले आपस में कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, जो उसी झगड़े को लेकर के इनमें आपस में मतलब तनाव चलिया हुआ था। कल ये दोनों पार्टियाँ ये मतलब रेवाड़ी के अपना चौक जंजर चौक पर इकट्ठे होकर के मलियानी के वहीं के घुमाई पर मौका पा करके ये दोनों ने मलियान दिनेश को मलियानी के चाकू से का वहाँ चार वार की, जो एक चाकू जो इसके दिनेश के हाथ के पास लगा है, जिससे उसकी मतलब मौत होने की संभावना है, बाकी पोस्टमार्टम अभी बताया है, जैसे पोस्टमार्टम होगा तो उसका पूरा उल्लेख कर दिया। सर, ये मारने वाले कौन थे दोनों? मारने वाले ये अपना भारत रूप छोटू और शिवराम है, ये नई आबादी रेवाड़ी के रहने वाले हैं, बाकी इसको हम जल्द से जल्द हमारी टीम में गई हूँ, इसको आज ही मुझे यानी कि हमें गिरफ्तार हो। तो माना जाए कि पूरा मामला रंजिशन था? मतलब छोटी मोटी रंजिश, कोई मतलब गहरी रंजिश नहीं थी। शामली में दिन दहाड़े भाजपा नेता और सर्राफा व्यापारी के घर डकैती की वारदात सामने आई है, जहां पर करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया और घर में रखा लाखों रुपए का सोना, कैश और बाइक लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की पत्नी और बेटे को गन पॉइंट पर लेकर डकैती की पूरी वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद माँ और बेटे दोनों को रस्सी से बांध कर फरार हो गए। विधायक जी, जो ये डकैती पड़ी है, क्या मामला है, किसके घर पर पड़ी है? ये अनिल वर्मा जी हैं, ज्वेलर हैं जी, और बड़े सम्रांत परिवार है इस शहर का, और अभी हमें भी सूचना दी 1 घंटा पहले मिली जी, अभी दिन दहाड़े डकैती हुई है, अभी तो इसके बारे में जानकारी ले रहे परिवार के सब लोगों से, पुलिस आई, पुलिस कप्तान, सभी लोग वहीं पर है, मतलब तो उसके आधार पर जल्दी खोल दी जाएगी और निश्चित रूप से बहुत कड़ी कार्रवाई, जिन लोगों ने अपराध किया है ना पछताना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, क्या काम करते हैं ये ज्वेलर हैं? बताया जा रहा है कि लाइसेंसी जो राइफल है उसकी भी कारतूस लेकर भागे, बाइक लेकर चले गए। हाँ, अभी बातचीत चल रही है, कुछ कारतूस ले गए, कुछ ज्वेलरी ले गए, कुछ नकदी भी जो भी ले गए सामान, वो अभी जानकारी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, ये भी बताया गया है कि भाई पैसे पैरों पे रस्सी बांध कर रखा है, गन पॉइंट पे लेके गए हैं सब? हाँ, गन पॉइंट पे लेके गए, ये बता रहे हैं परिवार के लोग जी, उनका बेटा, उनकी पत्नी, सब बता रहे हैं। तो लगभग कितने का नुकसान माना जाए? पूरी जानकारी नहीं मिली अभी तक, अभी ये तो बहुत रिसेंट। पुलिस को क्या दिशा निर्देश देंगे? पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश है, मैंने खुद पुलिस को फ़ोन किया जैसे मुझे जानकारी मिली, क्योंकि वो लोग इन्हें गन पॉइंट पर रख के बोलेंगे कि आप पुलिस को सूचना नहीं देंगे, लेकिन जैसे सूचना मिली तो मैंने खुद पुलिस से कहा मैं पहुँच रहा हूँ घटनास्थल पर, आप भी पहुँचे एकदम, तो CO अपने SP सभी लोग घटनास्थल पर एकदम पहुँचे। ठीक, ये अभी सूचना मिली थी करीब 5 बजे कि कोतवाली थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है जिसमें एक महिला अकेले घर में थी और चार लोग आए थे, नकाबपोश भी थे उसमें, और उनके साथ लूट किया, इस तरह का एक आया था, इसलिए मैं मौके पे आया हूँ। और इसमें जो बातें अभी सामने आई हैं, तो महिला का कहना है कि वो और उनके एक बेटे हैं वो घर पे मौजूद थे और चार लोग को देख पाई, चार लोग थे जिसने इनके साथ दो अंगूठी एक हार और 3-4 हज़ार रुपये बता रहे हैं, इसको लूट कर ले गए। सर, बाइक भी बताई जा रही है और पिस्टल भी बताई जा रही है? नहीं, पिस्टल की बात नहीं है, बाइक जो लड़के थी बाइक बता रहे हैं कि शायद बाइक भी लेके चले गए हैं, तो ये इस तरह का मामला आया है, बाकी इनसे तहरीर ली जा रही है, आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई और वर्कआउट करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से पोस इलाके में दिन दहाड़े डकैती की घटना हुई है, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से अपराधियों में खौफ नहीं रहा या फिर एक तरीके से कुछ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर पा रहे, जैसे गश्त की जिम्मेदारी होती है? घटना हुई है, अब उसका विश्लेषण क्या करें क्या माने वो आप लोग जानिए, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। प्रकाश माई, क्या मामला है जैसे गन पॉइंट पे लूट? मैं खाना खाकर हाथ धो रहा था, नीचे आए
दो लोग पहले कहने लगे, मम्मी ने देखा उनको कि, तो ये बोले कि हमें भाई साहब से कुछ काम है। तो मम्मी ने मुझे बोला कि देखिए अभिषेक की कौन है नीचे। तो मैं गया, हाँ भैया क्या काम है। ऊपर आ गया एकदम बंदा, एक बंदा ऊपर आया, हमें भाई साहब से कुछ काम है। मैं बोला भाई साहब से काम है, आप दुकान पे जाइए, दुकान पे, घर पे क्या मतलब है आपका। तो जैसे ही मैंने ये बोला, उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और सीधा मेरे गन पॉइंट पे ले लिया और मम्मी को भी गन पॉइंट पे ले लिया। और चार पांच लोग थे, सब हथियारों से लैस थे। अच्छा, क्या ले गए घर से, क्या क्या? बस जेवर वगैरह ले गए, कुछ कैश ले गए। मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, हाथ भी बांधे हुए थे, पैर भी बांधे हुए थे। किसके? हम, मम्मी के भी और मेरे भी। मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का शुभा वर्मा। आपका क्या नाम है? अभिषेक वर्मा। अच्छा, दोनों बंधक बना के आपके साथ? बंधक बना के और पिस्टल लगा रखी थी, गन पॉइंट पे ले रखा था। अच्छा, कारतूस वगैरह भी बताए गए हैं, राइफल वगैरह लाइसेंस है आपके पास, कारतूस वगैरह कुछ ऐसा क्या है? सिंगल बैरल गन है। अच्छा, तो उसका क्या ले गए? उसके कारतूस ले गए जो आपके पास लाइसेंस ही। और आपकी बाइक भी बताई गई है, बाइक भी आपकी स्प्लेंडर बाइक है, यूपी 1994 नंबर, उससे भागे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं फादर आपके? ज्वेलरी की शॉप है नए बाजार के सामने। सभी पहुंचे मोस्टली। वहीं यूपी के मेरठ में छात्रों ने कमिश्नरी चौराहे पर पुलवामा में हुए शहीदों की शहादत को लेकर बागपत विधायक सतवीर त्यागी का पुतला फूका। इसमें बताया जा रहा है कि मेरठ कॉलेज के छात्र कई दिनों से मेरठ कॉलेज के गेट पर भूख हड़ताल कर रहे थे। आज एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिसके चलते शहीदों को न्याय दिलाने के लिए छात्रों का दल भूख हड़ताल पर बैठा है। नरेश चौधरी और कन्हैया मेरा नाम है। पुतला इसलिए फूका गया, पिछले 8 दिन से मैं भूख हड़ताल पे हूँ। जो हमारे जिले के जनता द्वारा प्रतिनिधि बनाए गए हैं वो तक सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो इस देश की स्थिति क्या होगी, इस देश के राजा की स्थिति क्या होगी, इस देश के प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होगी। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे युवा ही साथी, भाजपा के जो विधायक हैं, उन तक ने आज तक कोई भी 8 दिन में सूचना नहीं दी है कि उनका कोई छोटा भाई बैठा हुआ देश हित के लिए। इसलिए छात्र संघ अध्यक्ष ने आज पुतला जो भूखा है, आज तक प्रशासन को ये नहीं पता थी, SSP आवास भी यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई उनका छोटा भाई देश हित के लिए भूख हड़ताल बैठा हुआ है। आज थोड़ा सा हमने एक निकाला, पुतला भूखने के लिए निकल गए तो आज सारे आ गए। क्या आज भी सत्ता की दलाली कर रहे हैं क्या? प्रशासन साथ दे तो हम सत्ता बदल दें, लेकिन सत्ता आज तक प्रशासन की बात सुनती आ रही है, छात्रों पर डंडा लाठीचार्ज करती हुई आ रही है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि 65% युवा आज भी कभी शासन द्वारा मारा जाता है तो कभी सत्ता द्वारा मारा जाता है। युवाओं को आगे बढ़ने का कहीं मौका नहीं दिया जा रहा है, ना किसी भर्ती में, ना किसी राजनीति में, ना कहीं भी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं क्या एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ? मेरे दो लाइनों में दो बात कहना चाहता हूँ। हमारा दिल डरता नहीं है अब युद्ध घमासान से, और युद्ध होगा हमारा सीधा पाकिस्तान से। ठीक, हमें पाकिस्तान साफ चाहिए या 370 धारा जब तक नहीं हटेगी इस देश का कोई भी वो नहीं होगा। आप सब भाई भी जानते हो 70 धारा तुरंत हटाई जाए, 35 से हटाई जाए, जिससे कि हम लोगों को भी अपने उस कश्मीर में जिससे हम 70 साल से अपना सोचते हुए आ रहे हैं वहाँ रहने की हमारी स्थितियाँ बन पाए, व्यापारिक स्थितियाँ बन पाए। जब तक नहीं बन पाएंगी हम अपना नहीं कह पाएंगे। ठीक, आपके मांगी पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हमारी मांगे सबसे मस्ट मांग ये है कि शहीदों का 1 करोड़ रुपया निश्चित कर दिया जाए आगे के लिए भी, और आगे हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भाई शहीद हो। ठीक, और उन्हें शहीदों का दर्जा प्राप्त होना चाहिए और 370 तत्काल में हटा दी जाए, नहीं तो मरते दम तक नरेश चौधरी और कन्हैया इन सब सहयोगियों से यहाँ बैठा हुआ भूख हड़ताल पर मरते दम तक। बता दीजिए गृह मंत्रालय को भी, मोदी जी को भी, कब हटाएंगे हमें बता दीजिए, और लोकसभा चुनाव से पहले पहले परिणाम चाहिए हमें अपने शहीदों के बदले का। खून का बदला खून होता है। मेरठ पुलिस ने पिछले दिनों हुई 15 किलो सोने की लूट का खुलासा आखिरकार कर ही दिया। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 4 किलो 42 ग्राम सोना और 8,50,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए बदमाशों में से एक बदमाश के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था। हालांकि अभी भी कुछ बदमाश फरार है जिनके पास बचा हुआ सोना है। रेवाड़ी में एक सरकारी स्कूल की 9वीं कक्षा छात्रा ने स्कूल प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी प्रिंसिपल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। रेवाड़ी में गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है।
जहां 9वीं कक्षा की छात्रा ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रिंसिपल उस पर गंदी नजर रखता था और अकेले में छेड़छाड़ किया करता था। रोड़ाई थाने में जमा ये भीड़ स्कूल प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची है, जिसने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत पर आरोप लगाया है कि स्कूल प्रिंसिपल सभी बच्चों को अकेले में मिलने के लिए नहीं बुलाता था, लेकिन उससे अकेले में मिलने बुलाने पर उसे इसी बहाने छेड़ा करता था। 22 फरवरी को भी आरोपी प्रिंसिपल ने छात्रा को स्कूल में गैलरी में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद छात्रा ने अध्यापिका को शिकायत की और अध्यापिका ने जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना देकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि छात्रा के आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मेरा रुपेश। रुपेश जी, क्या पूरा ये मामला था? पूरा मामला हमने पूछा तो उसने बताया कि ये प्रिंसिपल महोदय की कई दिनों से गंदी नज़र थी मेरे ऊपर, और सभी जो बच्चे थे स्कूल के उनसे कह रखा था कि मेरे ऑफिस में अगर आओगे तो आप सिर्फ दो के जोड़े में आओगे, लेकिन मेरे को पर्सनली बुला के ये कहते थे बेटा तू अकेले आया कर। तो मेरा ये मामला चलता रहा कई दिनों से, और मेरे को कभी कभी गलत तरीके से छू भी देते थे, लेकिन मैंने इसका इतना विरोध नहीं किया। लेकिन आज 22 तारीख को उन्होंने मेरे को पीछे गली में बुलाया और बोला कि बेटा मैं तेरे को ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं रिटायरमेंट हो जाऊँ तो सिर्फ तेरा फ़ोन मेरे पास आना चाहिए और किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए, और मेरे को गलत जगह से उन्होंने छोड़ने का प्रयास किया। फिर उन्होंने बोला कि ये बात सिर्फ तू किसी से नहीं बताएगी और मेरे सिवा ना स्कूल में तू किसी टीचर से बात करेगी, अगर बोलेगी तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। फिर आपको आपने शिकायत दी है? हाँ, हमने शिकायत दी। मामला दर्ज हो गया है? हाँ, मामला दर्ज। सर पहले क्या नाम है आपका? मेरा टीकाराम नाम है। टीकाराम जी, क्या ये पूरा मामला है जी? क्या मामला था ये? सर आज सुबह सुबह मैडमों ने मेरे पास शिकायत की कि प्राचार्य ने एक लड़की के साथ मतलब थोड़ा सा गलत अश्लील बातें की और लिखित में उन्होंने शिकायत की। लड़कियों ने? लड़की ने नहीं, हमने तो मैडम ने बताई। अच्छा, मैडम के पास लड़की ने बताई। और कौन से क्लास की लड़की? 9th क्लास की लड़की है जी, निक्की नाम है। और जो प्रिंसिपल साहब हैं वो कौन से स्कूल के थे? नाम आशी की गोरावास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक आशी की गोरावास। क्या नाम है उनका? श्री धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, फिर आपने वहाँ पहुँच करके एक्शन लिया? सर फिर हमने इन मैडमों ने बताई तो हमने DWO से बात की, DO साहब से बात की दूरभाष पे, और इन्होंने कहा कि भाई आप FIR दर्ज करें। इस बताया जाता है कि इससे पहले भी इनकी इस तरह की दुर्व्यवहार की शिकायत डिपार्टमेंट को मिलती रही है? सर इस स्कूल में तो इस लगभग 1.5-2 साल के आसपास हो गया, कोई लिखित में तो कोई शिकायत नहीं थी। मौखिक कभी इस तरह की आपके दिमाग? मेरे संज्ञान में सर नहीं है। अब आपने शिकायत मिल गई, FIR दर्ज कर रहा है? हाँ, शिकायत दे दी SHO साहब? हाँ, SHO साहब से शिकायत। ठीक है सर। क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि आज हमारे वहाँ कुंड में फंक्शन था, तो उस समय मेरे पास गौरिया साहब का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि धर्मवीर जो प्रिंसिपल है उसने किसी बच्चे के साथ ऐसे ऐसे कोई हरकत की है, और उस मामले के अंदर स्कूल से फ़ोन आया। तो ये हमारे एक मीना मंच होता है, बालिका मंच होता है, तो बालिका मंच की अध्यापिकाओं को इस बच्चे ने बताया। ठीक है, उसके बाद फिर गौरिया साहब ने कहा कि आप वहाँ पर जाओ, तो वहाँ से मैं रास्ते में उल्टा आया था, तब तक ये अपने थाने में आ चुका है, और इन्होंने FIR दर्ज करा दी। मेरे को एप्लीकेशन भी थी बालिका मंच की बच्ची, तो मैंने स्ट्रॉन्गली फॉर लीगल एक्शन रिकमेंड किया। सर सुनने में आया प्रिंसिपल के पहले भी शिकायत आपके रही है? सर ऐसा है, हमारे पास जैसे DO लेवल पे कोई लिखित के अंदर कोई शिकायत अभी तक तो नहीं आई। बाकी जैसे गाँव में अभी जैसे बातचीत हुई है गाँव वालों से, तो इस तरह की सुरसराहट रहे हैं कि इनका व्यवहार शोभनीय नहीं होता। अब मामला दर्ज हो गया? हाँ, मामला दर्ज हो गया सर। जबलपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान तस्कर से 10 किलो 300 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की कीमत 1,30,000 रुपए है। जबलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार मादक पदार्थ अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, और उसी कड़ी में आज फिर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गांजा
लगभग 1,30,000 रुपए का, और इसके अलावा 2,350 रुपए, एक डिस्कवरी मोटरसाइकिल और दो मोबाइल, ये दो आरोपियों से जब्त हुए हैं। इन आरोपियों के नाम है विनय झारिया और विनीत पटेल। ये लड़के पिछले 4 महीने से गांजे का अवैध व्यापार कर रहे थे, जो अभी ये भितौनी कुंड के पास में भी ये विक्रय करने की योजना बना रहे थे। मुखबिर द्वारा जब सूचना मिली तो इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। इस पकड़ में हमारे डिस्पेंसरी साउथ साहब का लगातार मार्गदर्शन रहा है, और उनके मार्गदर्शन में CSP एवं क्राइम ब्रांच के डिस्पेंसरी साहब और अगवारी घाट की पूरी टीम लगी रही और उन लोगों को पकड़ करके, और हमारा जो अवैध अभियान है उसमें आज ये एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में लगातार ये कार्रवाई जारी है। अभी तक जो कार्रवाई जारी है उसमें 15 से भी ऊपर लगातार हर दूसरे तीसरे दिन ही मादक पदार्थ पकड़े जा रहे हैं, और बाहरी लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, बातचीत की जाएगी, और जैसे ही मालूम पड़ेगा उनके बारे में तो उनको भी गिरफ्त में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां पर पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से नकदी और सोने की चेन बरामद की है। लोकसभा चुनावों की तारीख अभी भले ही तय नहीं हुई है, लेकिन नेताओं ने अपने लिए विवादित बोल तय कर लिए हैं, जो आगामी दिनों में हमें लगातार सुनने को मिलेंगे। कुछ यही नजारा आज मुरादाबाद में कांग्रेस और महान दल की संयुक्त रैली में देखने को मिला, जब महान दल के प्रदेशाध्यक्ष ने आवेश में आकर कहा कि अगर कांग्रेस से लड़ने के लिए पाकिस्तान से भी कोई उम्मीदवार आए तो उसे भी वोट दे देना। इसके बाद मंच पर बैठे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर समेत सभी नेताओं में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि हालिया पुलवामा घटना में पाकिस्तान के प्रति पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। ऐसे में ये बयान कांग्रेस और महान दल दोनों के लिए हानिकारक साबित होने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।